सिंहासन खाली करो कि जनता आने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर आपको वो सारी चीजें दिखाई जाएगी जो बिहार विधानसभा चुनाव के तहत घटनाएं घट रही है। बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे आज 25 सितंबर है और आज भारत बंद है, ऐसा ऐलान कई दलों ने किया। किसान भाइयों के समर्थन में बहुत सारे दल उतर गए हैं कि ये काला बिल जो है, किसान बिल, इसका हम विरोध करेंगे। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव जो जो नज़दीक आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। बहुत सारे दल जो महागठबंधन से निकलकर और एनडीए का दामन थामने वाले हैं, लेकिन संशय इस बात की है क्या एनडीए में उनको वो जगह मिल पाएगी। कहा जाता है बांझ गाय बथान का शोभा। जी हाँ, अगर जीतन राम मांझी चले गए एनडीए में, यूपीए यानी महागठबंधन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीतन राम मांझी कोई जिताऊ दल नहीं थे, कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं दिया करते थे, केवल उनको सीट चाहिए थी। उनके नाम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री लगा हुआ है जिसका वो लाभ लेते थे। वही हाल उपेंद्र कुशवाहा जी का था। रालोसपा कल मीटिंग किया, कहा हम एनडीए में जा रहे हैं, हम यूपीए के साथ नहीं हैं, अच्छा है वो चले जाए, क्योंकि 2019 में दो दो सीट पर चुनाव लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा जी और दोनों सीट हार गए। तो हराऊ दल जितना अगर आरजेडी से दूर हो जाए, आरजेडी की साफ सफाई हो जाएगी, सत्ता में आने की उम्मीद बढ़ जाएगी, क्योंकि लहर जो है वो तेजस्वी यादव के साथ है, आरजेडी के साथ है, लालटेन के साथ है। आपको बता दें, नीतीश सरकार बार बार ये फोकस कर रही है कि लालटेन का जमाना चला गया, बल्ब का जमाना है, बिजली का जमाना है, लेकिन ये कितना बिजली सप्लाई करते हैं ये तो आप देखते ही होंगे। बस थोड़ी सी हल्की बारिश नहीं हुई और दो दिन तक बिजली गुल, कई पेड़ गिर जाते हैं, कभी पोल का बहाना, कभी तार टूटने का बहाना, बहाने इनके हजार होते हैं। जनता सब जानती है कि घर घर जल और बिजली की योजना कैसी है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब यूपीए यानी महागठबंधन का ऐलान होता था तो उस स्टेज पर कम से कम 25-30 दल नजर आते थे। ये जितने भी पुराने नेता हैं, ये स्टेज का शोभा बन चुके हैं, जनता इनको नकार चुकी है, अपना सीट बचा नहीं पाते हैं, सीट चाहिए इनको 50, और इस तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं पूरे चुनाव का। जैसा कि आप जानते होंगे 2015 में जदयू, आरजेडी और कांग्रेस मात्र तीन दल मिलकर अच्छा स्कोर किया था। जब 2017 में जदयू अलग हो गई, भाजपा के साथ चली गई, और 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उस वक्त भी महागठबंधन था, परंतु क्या हश्र हुआ यह भी आप जानते हैं, सब सबूत आपके पास है। अब जो है कांग्रेस, आरजेडी और एकाध कोई और दल साथ में आ जाएगा, यानी दो या तीन दल का जो गठबंधन होगा वह गठबंधन काफी मजबूत होगा। आम जनता ने यह संदेश दे दिया है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर आप वोट मांगने आते हैं तो हम आपको स्वीकार नहीं करते हैं। आपको बताना होगा, क्या बेरोजगारों को आप रोजगार दे रहे हैं, किसानों को सही दाम दे रहे हैं, उसके बच्चों को जॉब दे रहे हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं पे बात कीजिए, जाति के ऊपर नहीं। अगर आप यह कहते हैं कि मेरा नाम फलाना है और हम हैं सन ऑफ मल्ला, तो आपको वोट नहीं मिलेगा। केवल यादव समाज से ही आरजेडी नहीं है और केवल ब्राह्मणों से ही भाजपा नहीं है, ये तो अब खत्म हो गई है। अब तो आपको काम करना पड़ेगा, और जात नहीं, जमात, देखिए जमात कितनी मजबूत है, ये जनता साफ साफ कह चुकी है। और जितने भी क्षेत्रीय पार्टी जाति के आधार पर बनी हुई थी, सब के सब औंधे मुंह गिरेगी इस बार भी। लेकिन
एक बात तो जरूर है कि आरजेडी, कांग्रेस, ये गठबंधन जितना छोटा होगा, दल जितने कम होंगे, उतना काम करने में सुविधा होगी। अच्छा हुआ जो उपेंद्र कुशवाहा जी निकल गए, जीतन राम मांझी निकल गए। रही बात ये, मुकेश सहनी अपने दल के आधार पर दो चार सीट लेकर लड़ाई लड़े तो ज्यादा अच्छा। अगर ये बार्गेन करने बैठेंगे तो इनका भी रास्ता बाहर का दिखा दिया जाएगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।